नमस्कार, स्पोर्ट्स की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित और आइए अब खबरें देखने विस्तार से। एशिया कप में भारत ने भुवनेश्वर कुमार की अगुवाई में बेहतरीन गेंदबाजी के बाद कप्तान रोहित शर्मा की तूफानी अर्धशतकीय पारी की बदौलत भारत ने एशिया कप में चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान को 8 विकेट से रौंद दिया। इसके साथ ही भारत ने ग्रुप ए में पहला स्थान हासिल किया। वहीं भारत से मिली हार पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान के कप्तान सरफराज अहमद ने कहा कि हमारी शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। हमने पहले 5 ओवर में 2 महत्वपूर्ण विकेट खो दिए। हमने बीच में कुछ रन गति बढ़ाई लेकिन उसकी भरपाई नहीं हो सकी। खेल रत्न अवार्ड से वंचित हुए विश्व के नंबर 2 पहलवान बजरंग पुनिया को केंद्रीय खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने मिलने का समय नहीं दिया तो उन्होंने अदालत का दरवाजा खटखटाने का फैसला किया। बजरंग ने कहा कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए उनके सबसे ज्यादा अंक बनते हैं और समिति ने उन्हें अवार्ड से वंचित रखा है। पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप के मैच में एक बार फिर से रोहित शर्मा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए हाफ सेंचुरी जड़ दी। इस अर्धशतकीय पारी के दौरान रोहित शर्मा ने 39 बॉल में 52 रनों की पारी खेली। इसमें उन्होंने 6 चौके जड़े और 3 छक्के जड़े। तो भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या को पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप ग्रुप चरण के मैच के दौरान मैदान से स्ट्रेचर पर बाहर ले जाना पड़ा। उन्हें पीठ में चोट लगी है। यह घटना पाकिस्तानी पारी के 18वें ओवर में घटी जब यह ऑलराउंडर अपना 5वां ओवर कर रहा था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए एमएसटीवी के साथ। नमस्कार। जेनाविन सेल्स क्रॉम्पटन ग्रीव्स के गीजर पंखे एंड लाइटिंग ल्यूमिनरीज हैवी ड्यूटी एग्जॉस्ट फैंस एंड कूलर फैंस की संपूर्ण रेंज एल मोनार्ड के फैंस पेडिस्टल फैंस एग्जॉस्ट फैंस एंड एयर कर्टन की विस्तृत रेंज जेनाविन सेल्स नियर भारत टॉकीज फर्स्ट फ्लोर हमीदिया रोड भोपाल